ये अपराधी नहीं नराधम है। पकड़ लिए गए हैं लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के इनको सख्त से सख्त दुर्लभ सजा मिले, इसमें सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पर कार्रवाई का उदाहरण प्रस्तुत है। घटना से मैं भी अंदर से बहुत आहत हूं, लेकिन केवल इससे काम नहीं चले। मैंने कह दिया है, निर्देश दिए कि परिणाम चाहिए, कठोरतम सजा के रूप में अपराधियों को सजा मिले और बाकी जो कार्रवाइयां की जा सकती है करें। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। 41,25,000 रुपए की सहायता पीड़ित परिवार के परिजनों को दी जाएगी। परिजनों के साथ हम खड़े हैं, हर संभव सहयोग करेंगे, अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे।